तो हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल तिशु भाई पे। जैसे कि देख सकते हैं, हम सब चेकआउट कर चुके हैं, निकल रहे हैं पोखरा के लिए। जैसे यहाँ धूप बहुत अच्छा है, देखिए दुकान वगैरह भाई। तो देख सकते हो आप सब, यही शॉप है। हम लोग यहाँ पर मतलब रात में शॉपिंग किए थे और हम लोग अभी फिलहाल निकल रहे हैं पोखरे के लिए। पोखरा चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। अभी तो फिलहाल हम भी जा रहे हैं फर्स्ट बार ही पोखरा, और ये हैं हमारे शिवम भैया। भाई क्या ही बताएं, देख सकते हो यहाँ का नज़ारा। ये है राम, जिसको नहीं है कुछ काम। राम हर जगह, राम हर जगह आपको, राम हर कुछ जगह खराब है, उसको डिस्टर्ब ना करिए। कुछ देख लेने ये नज़ारा क्यों मिलेंगे, डिस्टर्ब ना कीजिए। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? तो देख सकते हो यहाँ का नजारा किस प्रकार है। तो इसको लेना है मास्क, और ये दे रहा है गाली। देख सकते हो ये सब यहाँ का लोकल मार्केट है, मतलब फुटपाथ वाला जो बोलते हैं ना, और यहाँ टूरिस्ट गाड़ियाँ मिलती हैं। तो यार यहाँ पर सब नेपाली बोल रहे हैं। मैं बता दूँ, मुझे नेपाली बिल्कुल नहीं आता है, और मैं बिल्कुल नहीं समझ रहा हूँ क्या ये लोग बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। बस ऐसे ही समझ लो गूंगा बन के हम खड़े हैं, और ऐसे हैं। यही है हम लोगों का, गाड़ी बुक हुआ है, अभी हम लोग चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। ये इसको बहुत 125 का है ये। अच्छा, अभी हिंदी आ रहा है आपको? थोड़ा आ रहा है। देख सकते हो ये साबुन है यहाँ का, और हम लोगों को 125 में दी हैं। बट हम लोगों को ये नेपाली में बोल रही थी, बट हम लोगों को नेपाली तो आता नहीं है, इसलिए तो हिंदी में हम लोग थोड़ा थोड़ा। और हमारे राम भैया की गर्लफ्रेंड थी, अर्धांगिनी थी, मिल गई। क्यों राम भैया ना, राम को कभी से तलाश थी, और फाइनली हम लोग पा चुके हैं। हमारा ही काम ही है भाई, राम ही हूँ। तो देख सकते हो अभी हम लोग काठमांडू हैं, और हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। अभी हम लोग गाड़ी देख रहे हैं कौन सा जाएगा वहाँ पोखरा, और यहाँ से हम लोग यहाँ बुक करेंगे, उसके बाद निकलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ पर कैसे जाते हैं, क्या क्या है, यहाँ से कितना प्राइस है और कितना ये लोग लेते हैं। और हाँ, आप लोग बच कर रहिएगा, चूतिया तो बहुत ज़्यादा बनाते हैं सब, बट हम लोग बनने वाले नहीं हैं चूतिया, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी हैं बहुत बड़े, खास करके हम। और खास सबसे बड़ा चूतिया ये है, सबसे बड़ा चूतिया मतलब यही है भाई, और मतलब बहुत बड़ा वाला है ये। दिल पे मत देना भाई, तुम हो इसलिए कह रहे हैं पूरा दिल पे नहीं लेंगे, किसी और जगह ले रहे हैं। देख सकते हो आप सब, हम लोग गाड़ी से ट्रेवलिंग करने वाले हैं और पोखरा जाने वाले हैं। और चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर क्या है कैसे। अभी राम तो फिलहाल टिकट कटा रहा है, और टिकट कटा कर रहा है, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं। अभी ये गाड़ी भी मतलब फुल होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो चलिए
खैर इस पहाड़ों में फंस चुके हैं और यहाँ से जाने के लिए कुछ नहीं है और ATM कुछ नहीं काम कर रहा है। कभी भी आप लोग आइए तो यहाँ पर कैश लेकर आइए ज़्यादा ज़्यादा, नहीं तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं और ऐसे ही फंसे रहेंगे, ऐसे ही भटकेंगे इधर उधर। और फिलहाल हम लोग फंसे हुए हैं बहुत पूरी तरीके से, हम लोग वहाँ पर भी फंसे थे बट यहाँ भी फंसे हैं, लेकिन कोशिश किया जा रहा है हम लोगों को कि यहाँ से हम लोग जल्द से जल्द निकलें और देख सकते हैं सब पहाड़ों में। और ये है हमारे शुभम भैया, इनसे मिलिए, ये कह रहे थे यहाँ पर सब कुछ काम करेगा लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं काम कर रहा है। दिल को तसल्ली दो, दिल को ये तसल्ली दी है। ओ सस्ते कैमरेमैन, सस्ते कैमरेमैन ये बहुत तसल्ली दी है कि हम लोगों को सब कुछ हो जाएगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग सोच रहे हैं, प्लान किया जा रहा है कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें, क्या स्टार्ट किए लोगों का प्लान यही है कि यहाँ पर हम लोग कहीं अब चलते हैं, कुछ काम वम करते नहीं, कुछ काम वम किया जाएगा पहले, उसके बाद कुछ होने वाला है, यहाँ से निकल तभी निकल सकते हैं, नहीं तो निकलने वाले तो हैं नहीं हम लोग पहाड़ियों की वादियों में। और मुझे कहाँ पता था साला कि हम लेह लद्दाख के बाद फिर आकर ऐसे ही फंसेंगे लेह लद्दाख में। तो अब फिलहाल हम लोग अपनी गाड़ी थी, यहाँ पर किसी गाड़ी भी नहीं है और इससे हम लोग इसी पहाड़ों की वादियों में फंसते हैं। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। तो फाइनली यार हम लोग पोखरा शहर आ चुके हैं और अभी आए हुए हम लोगों को 10 मिनट लगा, वहाँ से टैक्सी हम लोगों को मिला और टैक्सी ला कर यहाँ छोड़ा और ये हम लोग रूम लिए हैं अभी यहाँ पर पोखरा आकर। और हम आज बता दी तो आज हम लोगों को आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, बहुत लेट हुआ, हम लोग सोचे थे कि मतलब मॉर्निंग ही टाइम पहुँच जाएंगे बट बहुत ज़्यादा लेट हुआ, एकदम नाइट हो चुका है करीब, यहाँ पर कितने बज रहे हैं यहाँ 7 बज गया है, 7 बजे हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। अब फिलहाल इस टाइम तो कुछ दिखेगा नहीं और ना हम दिखा पाएंगे आप लोगों को, तो हम लोग रुकते हैं और सुबह में आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा, दृश्य मज़ेदार वाला, क्या क्या है क्या क्या नहीं। फिलहाल हम भी यहाँ नहीं हुए हैं अभी, हमको भी उतना कुछ पता नहीं है, लेकिन आप लोगों को हम कल दिखाएंगे मॉर्निंग में क्या होता है, क्या कैसे क्या क्या है। तो देख सकते हो ये हमारा खाना आ चुका है, ऑर्डर किए थे हम लोग, जो कि आ चुका है और हम लोग इसे अब खाने वाले हैं। और ये दिखा दें आपको, ये क्या चीज़ है, ये क्या